friends, we are now going to read a lesson of Evie's book. The lesson name is Clothes We Wear. Today we read second part. So let's start. Materials for clothes. कपड़ों के लिए सामग्रियाँ. Clothes are made from fibers. कपड़े रेशों से बनाए जाते हैं. Fibers are of two types. रेशों के दो प्रकार होते हैं, natural fibers and man-made fibers, प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे. Canvas, leather and rubber are also used to make some kinds of clothes. कुछ प्रकार के कपड़ों को बनाने के लिए कैनवास, लेदर और रबर का भी उपयोग किया जाता है. नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशे, कॉटन, कपास, वुल, ऊन एंड सिल्क और रेशम. कॉटन, कपास. कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कपास कपास के पौधों से आता है. कॉटन ग्रोज इन पॉट्स और बॉल्स. कपास फलियों या गेंदों में उगता है. कॉटन इज मेड इंटू थ्रेड और यार्न. सूती धागा या सूत में बनाया जाता है. मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन. सूती से बनाया हुआ धागे को इज कॉल्ड स्पिनिंग. कताई कहलाता है. द यार्न इज मेड इंटू क्लॉथ ऑन अ लूम. सूत कपड़े में लूम पर बनाया जाता है. मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न. सूत से बनाए हुए कपड़े इज कॉल्ड विविंग. बुनाई कहलाता है. क्लॉथ इज यूज टू मेक क्लॉथ्स. कपड़े का उपयोग कपड़ों को बनाने में किया जाता है. कॉटन प्लांट, यहाँ पे कॉटन प्लांट की पिक्चर दिखाई गई है. स्पिनिंग यार्न, वीविंग क्लॉथ. कॉटन क्लॉथ्स यानी सूती कपड़े. वुल, ऊन. वी गेट वुल फ्रॉम शीप. हमें ऊन भेड़ से मिलता है. रॉ वुल इज क्लीन्ड एंड वॉश्ड. कच्चा ऊन साफ और धोया जाता है. इट इज मेड इंटू वुलन थ्रेड. यह ऊनी धागे में बनाया जाता है. वुल इज स्पन एंड वुवन इंटू क्लॉथ. ऊन कपड़े में काता और बुना जाता है. वुल इज ऑल्सो यूज्ड. ऊन का भी उपयोग टू निट स्वेटर्स, ग्लव्स, कैप्स एंड सॉक्स. स्वेटर्स, ग्लव्स, कैप्स और सॉक्स को बुनने में किया जाता है. वुल फ्रॉम शीप, ऊन भेड़ से. वुल थ्रेड, ऊनी धागा. वुलन क्लॉथ, ऊन का कपड़ा. वुल नीटेड इंटू वुलन्स, ऊन से बना ऊनी कपड़ा.